नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव से शहर तक में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग कई बार इसको यूज कर चुके हैं, हम लोग a इक्वल टू 48, b इक्वल टू 78, a इक्वल टू b एंड नेम इक्वल टू जॉन। 48 है a को असाइन किया गया है और 78 b को असाइन किया गया है, और b की वैल्यू a को असाइन की गई है और नेम में जो है जॉन असाइन किया गया है। तो इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ पे ए और बी जो है इसे हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें जो है ए इक्वल टू ए प्लस फाइव अगर हमें कहीं पे स्टेटमेंट लिखना है तो हम क्या करते हैं कि इसे कंपाउंड ऑपरेटर्स के मदद से हम दो बार ए को न लिख करके कुछ यूँ लिखते हैं, ए प्लस इक्वल टू फाइव। इसे हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब देख रहे होंगे कि दो ऑपरेटर को मिला करके एज ए एक ऑपरेटर ट्रीट किया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हमने एडिशन के लिए किया है ये प्लस इक्वल टू फाइव, उसी तरह आप सब्सट्रैक्शन के लिए कर सकते हैं ए माइनस इक्वल टू फाइव। इस तरह से जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमें तो हम इसको यूज करेंगे आगे भी। यूनरी ऑपरेटर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह किसी सिंगल वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया जाता है, किसी एक्सप्रेशन या फिर कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। जैसा आप देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट द अप्लाई ऑन सिंगल ऑपरेंड्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो किसी भी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू वन से इंक्रीज कर जाती है। उसी तरह से अगर डिक्रीमेंट करते हैं हम, यानी माइनस करते हैं, तो उसमें से वह एक वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। एग्जांपल अगर हम देखें तो प्लस प्लस ए टेंस टू ए इक्वल टू ए प्लस वन, यानी प्लस प्लस ए लिखते हैं जो हम, उसे हम अगर एक्सपेंड करें तो वो होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन। उसी तरह से अगर हम माइनस की बात करें तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो माइनस माइनस ए इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये होता है ए इक्वल टू ए माइनस वन। बेसिकली ये जो है ऑपरेंड्स के पहले प्लस प्लस लगा हुआ है या माइनस माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब आगे अगर बात करें ए प्लस प्लस टेंस टू ए इक्वल टू ए प्लस वन एंड ए माइनस माइनस, अगर इसको एक्सपेंड करें तो ए इक्वल टू ए माइनस वन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑपरेंड्स के बाद हम जो है ऑपरेटर लगाए हुए हैं प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोस्टफिक्स। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इफ ए इक्वल टू सिक्स एंड बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, अगर इस कंडीशन को हम जो है समझने की कोशिश करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस वन एंड बी इक्वल टू ए। जब हम प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ए इक्वल टू ए प्लस वन पहले ये कैलकुलेट होता है, और उसके बाद जो है ए की वैल्यू वन से इंक्रीमेंट कर जाएगी, और उसके बाद जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है ए की वो बी में उसके बाद असाइंड होगी, इसलिए यहाँ पे ए इक्वल टू सेवन और बी इक्वल टू सेवन। अगर इसी को अगर हम पोस्टफिक्स ऑपरेटर के जरिए देखने की कोशिश करें, इफ ए इक्वल टू सिक्स एंड बी इक्वल टू ए प्लस प्लस अगर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले असाइनमेंट होता है, पहले जो ए की वैल्यू जो भी होगी वो बी को असाइन हो जाएगी, देन उसके बाद जो है ए इक्वल टू ए प्लस वन होगा, क्योंकि इसे क्योंकि यहाँ पे ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, इसलिए जो है इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। अगर आप रिजल्ट देखें तो पहले बी में ए की वैल्यू असाइन हुई, इसलिए b इक्वल टू सिक्स और a इक्वल टू ए प्लस वन, और इसको जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन, यानी यहाँ पे b के वैल्यू सिक्स और a की वैल्यू सेवन आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने प्रोग्राम में इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये रहा हमारा सीरेटेड डॉस बॉक्स, और यहाँ पे हम लोग जो है असाइनमेंट ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे इंटीजर x डिफाइन कर लेते हैं, और एक वेरिएबल y डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम जो है x की वैल्यू स्टोर करेंगे। y इक्वल टू प्रीफिक्स ऑपरेटर लगा लेते हैं, और x
और उसके बाद यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं ताकि प्रीवियस जो आउटपुट है वो क्लियर हो जाए। और फिर जो है हम प्रिंट ऑफ करते हैं, एक्स की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, वाई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो प्रीफिक्स एक्स प्लस प्लस इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जो है एक्स की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, और देन उसके बाद जो है वाई में क्या वैल्यू स्टोर हुई है उसको हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, प्रीफिक्स वाई। इस तरह से हमने वाई को भी प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे हम गेट सी एस लगाएंगे ताकि हम अपना आउटपुट देख सकें। इसको हम लोग जो है अब कंपाइल करेंगे। कोई एरर नहीं। अब इसको हम लोग रन करेंगे, यहाँ पे ये रहा हमारा रिजल्ट, प्रीफिक्स एक्स इक्वल टू 7 एंड प्रीफिक्स वाई इक्वल टू 7। अब हम पोस्ट फिक्स को देखेंगे कि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कैसे हम यूज करते हैं। अभी हमारा जो आउटपुट 7 आ रहा है, अब 7 के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे पोस्ट फिक्स का, तो यहाँ पे जो है वाई इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, यहाँ पे वाई की वैल्यू जो है 7 और एक्स की वैल्यू 8 आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम प्रिंट करेंगे ये दोनों कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे पेस्ट, और सिमिलरली जो है यहाँ पे अब जो हो जाएगा ये प्लस प्लस पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, यहाँ पे हम अब इसको जो है गेट सी एच हम लोग यहाँ लगा लेते हैं लास्ट में। इसको कंपाइल करेंगे हम लोग, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं। अब इसको हम लोग रन करेंगे, ये देखिए प्रीफिक्स 7, प्रीफिक्स वाई 7, पोस्ट फिक्स एक्स 8, एक्स की वैल्यू 8 हो गई, एक्स प्लस 1, और पोस्ट फिक्स वाई की वैल्यू 7 ही रही। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को अपने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर डाली जाने वाली जितनी भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे, सबसे पहले आप देख पाएँ, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें।